नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच सोशल स्यापा पड़ गया है, क्योंकि डेडलाइन खत्म होने के बाद व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बता दिया है कि वो कोई नई गाइडलाइंस लागू नहीं कर सकती। दिल्ली हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ शिकायत में व्हाट्सएप ने तर्क दिया कि नए नियम भारत के संविधान में निजता के अधिकार का उल्लंघन है। नए नियम के मुताबिक सरकार जब भी सोशल मीडिया कंपनियों से यूजर की जानकारी मांगेगी तो उन्हें उसकी पहचान बतानी होगी। कंपनी ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं और अगर नए नियम लागू हुए तो उन्हें यूजर की जानकारी सरकार के साथ शेयर करने के लिए मैसेज एनक्रिप्शन को तोड़ना होगा, क्योंकि नियमों में ये नहीं बताया गया है कि किसी कंटेंट को ट्रेस करने का आधार क्या होगा। व्हाट्सएप ने इन तर्कों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें नए आईटी नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और इसे लागू होने से रोकने के लिए भी मांग की गई है। New rules will adversely impact the privacy and security of our communications, especially on encrypted platforms like WhatsApp and Signal. This is the first time that such a provision, a traceability provision, is introduced in the law in any country across the world. व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में नए नियमों को न सिर्फ यूजर्स के निजता के अधिकारों का उल्लंघन बताया है, बल्कि इसके संवैधानिक नुकसानों की भी व्याख्या की है। व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में कहा है कि नए नियम व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे में डाल देंगे। नए नियम से उन पत्रकारों को खतरा हो सकता है जो ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। नए नियम से सिविल और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को खतरा हो सकता है जो किसी सरकारी पॉलिसी का विरोध करते हैं। नए नियम से नागरिकों को ट्रेस होने और उन पर एक्शन होने का डर सताएगा, जिससे वो बिना डरे अपनी बात नहीं कह पाएंगे। नए नियम से सरकार को बिना किसी रोक टोक के किसी की निगरानी करने की छूट मिल जाएगी। व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में बार बार एक बात पर जोर दिया है कि नए नियमों से किसी भी सोशल मीडिया यूजर की जानकारी गुप्त नहीं रह सकेगी। व्हाट्सएप के तर्कों की आड़ लेकर विपक्ष ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। तकनीकी अगर रीढ़ की हड्डी है निजता की, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। अगर आप उसमें दखलअंदाजी कर सकते हैं किसी सरकार को, इस सरकार ने तो हद कर दी है, लेकिन आप किसी सरकार को ऐसा पावर दे देंगे तो निजता क्या रहेगी? अगर आप इन आदेशों के आधार पर यह कहेंगे कि तुम बताओ मुझे फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम, या मैं कहता हूं कि देश की सुरक्षा अक्षुण्णता या विदेशी रिश्तों में आघात है, इसलिए इस आदमी को रोक दो, इसको ब्लॉक कर दो, और मेरा आदेश नहीं मानोगे तुम तो मैं एक्ट के अंदर की सुरक्षा चक्र हटा देता हूं तुम्हारे से, तो फिर क्या रह गया निजता का? व्हाट्सएप की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कब सुनवाई करेगा, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अब भी सरकार को ट्विटर और इंस्टाग्राम के जवाब का इंतजार है। फेसबुक ने बयान में कहा है कि हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है, हालांकि वो कुछ मुद्दों पर स्पष्टता को लेकर लगातार सरकार के संपर्क में है। गूगल के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और स्थानीय नियमों का पालन करने के लिए कदम उठाए हैं। यानी अभी भी नए नियमों को लागू करने को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों की तरफ से स्थिति साफ नहीं है, लेकिन नए नियमों की संवैधानिकता को लेकर व्हाट्सएप ने एक बहस तो छेड़ ही दी है। व्हाट्सएप के आरोपों को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से जवाब भी आ गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है, सरकार का इसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। व्हाट्सएप के तर्कों की आड़ लेकर विपक्ष ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। जब किसी खास मैसेज पर रोक जरूरी हो या गंभीर अपराधों की जांच और सजा का मामला हो, मंत्रालय की तरफ से बयान में कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और फर्जी न्यूज पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जरूरी हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया कंपनियों के अपने तर्क हैं और भारत सरकार के अपने तर्क, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यूजर की प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाना कड़ी चुनौती है।